चलिए स्टार्ट करते हैं 8.4। पहला सवाल पढ़िए क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए साइन ए सेक ए और टेन ए हाँ और टेन ए को कॉट ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है बैठ जाइए। कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। तो अभी हम लोगों ने बच्चों त्रिकोणमिति सरल समीकरण सीखी हैं और उसी के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्नावली है। और कैसे करेंगे देखिए, जरा साइन को टेन के पदों में लिखना है। साइन ए को टेन के पदों में कैसे लिखा जाए तो देखते हैं, इस पर विचार करते हैं। साइन है और सेक और टेन, अच्छा सॉरी, साइन को कॉट के पदों में लिखना है। साइन को लिखना है कॉट के पदों में, ठीक बात है। तो यहाँ पर हल लिखते हैं इसका। साइन ए बराबर होता है बच्चों एक बटे कॉस ए के। साइन कॉस ए का व्युत्क्रम होता है और कॉस ए और कॉट में एक संबंध होता है। देखिए अभी लिखवाया हमने, देखिए कॉस ए और कॉट में एक संबंध है क्या। तो अब साइन ए बराबर एक बटे कॉस ए के, दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दें तो साइन स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा एक बटे कॉसेक स्क्वायर ए। और आप बताइए जरा कॉसेक स्क्वायर ए को कॉट के पदों में क्या लिख सकते हैं। तो अब बटे कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने कौन सी सर्वसमिका यूज़ करी, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ गया ये साइन ए। अब दोनों पक्षों का अगर वर्ग साइन स्क्वायर ए दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो हमारे पास साइन ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यही अभिष्ट उत्तर हो गया हमारा। साइन ए को हमने कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया, बस इतना ही करना है इसमें। यहाँ पर ये तो कहा गया था कि साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करिए। तो हमने साइन बराबर कॉट लिया, कुछ भी है कॉट के साथ और कुछ ऐसे फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया सभी को। सबसे पहले साइन ए बराबर एक बटे कॉसे के लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते थे कि कॉसे और कॉट में ही एक संबंध है। तो साइन दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया, साइन स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए कर दिया। वर्ग क्यों किया, क्योंकि जो आइडेंटिटीज़ हैं वो स्क्वायर में है, सर्वसमीकाएँ वर्ग में हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया और उसके बाद दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया तो ये उत्तर प्राप्त हो गया हमें। पहला भाग हुआ ये। दूसरा भाग क्या है, सेक ए को टेन ए के, सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो अब हम यहाँ पर सेक ए का वर्ग कर दें अगर सीधे सीधे। सेक और टेन में कोई आइडेंटिटी है, देखिए जरा है कुछ क्या है। तो सीधे यही लिख देते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए प्लस वन। तो ये सीधे सीधे सर्वसमीकरण ही लिख दी, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ पर सेक ए बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट टेन स्क्वायर ए प्लस वन हो गया ये। नहीं सर, अच्छा सॉरी कॉट में लिखना है। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम सोच रहे अब सेक को हमें कॉट के पदों में लिखना है तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया तो अंडर रूट टेन स्क्वायर ए प्लस वन आ गया। मगर हमें कॉट के पदों में लिखना है तो टेन को तो कॉट के पदों में लिखा ही जा सकता है। तो अब यहाँ पर सीधे सीधे सेक ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट टेन की जगह आ जाएगा वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। अब चाहो तो लासापा ले लो, नहीं तो यही उत्तर हो गया। टेन थीटा की जगह एक बटे कॉट थीटा लिख सकते हैं ना, तो टेन स्क्वायर ए की जगह वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। बस यही हमारा आंसर है। थोड़ा सा और इसको अगर सही लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि सेक ए बराबर अंडर रूट, यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। चाहो तो ये लिख दो, एक ही बात है। समझ में आ रहा है सभी को। अब तीसरा भाग क्या है, तीसरा भाग है कि टेन ए को कॉट ए में लिखना है। तो सीधे सीधे ही हमें लग रहा है कि टेन ए को एक बटे कॉट ए लिख दिया जाए, बस हो जाए काम। तो टेन ए बराबर एक बटे कॉट ए लिख दिया, बस समाप्त हो गया ही। समझ गए सभी लोग। yes, चलिए दूसरा सवाल क्या है, पढ़ो भाई। कोण ए, हाँ कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए।
कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए, क्या कह रहे हो समझ नहीं आ रहा है, कह रहा है दूसरा सवाल कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक, अच्छा मतलब कोण सबको सेक ए के पदों में लिखना है, साइन ए को भी सेक ए के पदों में, कॉस को भी सेक के पदों में, सबको सेक के पदों में लिखना है, ठीक है बैठ जाइए। तो यहाँ पर बच्चों साइन को सेक के पदों में, सबको सेक के पदों में लिखना है, तो यहाँ पर देखिए जरा साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ए लिखेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है, पक्षांतर कर दें अगर तो साइन स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर, सीधे ये लाइन भी लिख सकते थे। तो अब हमें सबको सेक के पदों में लिखना है, प्लस समझ में आ रहा है सभी को, हमें सब त्रिकोणमिति अनुपातों को कौन कौन से साइन कॉस टेन कॉसेक और कॉट, इन सभी को सेक के पदों में लिखना है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे कॉस को लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वो एक बटे सेक थीटा होता है, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए या तो पहले एलसीएम ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे लासापा ले लिया सेक स्क्वायर ए। अब साइन ए बराबर हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो ये हमने साइन को हमने सेक के पदों में लिख दिया पहला भाग, दूसरा भाग में कॉस को सेक के पदों में लिखेंगे तो सीधे सीधे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस ए बराबर वन अपॉन सेक ए, दूसरे भाग का उत्तर सीधे सीधे यही आ गया। तीसरे में टेन को लिखेंगे सेक के पदों में, तो टेन और सेक में कोई आइडेंटिटी होती है तो वही लिख दीजिए, क्या होती है वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, तो टेन को लिखना है तो टेन स्क्वायर ए आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो टेन ए आ जाएगा, दोनों पक्षों के वर्गमूल ले लेंगे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो यहाँ पर टेन ए भी सेक ए के पदों में आ गया, ठीक। अब कौन सा बचा कॉट ए, तो अब टेन ए बराबर ये आया है इसी का यूज़ कर लेते हैं, टेन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन आया है, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दें अगर तो एक बटे, या टेन ए को क्या लिख सकते हैं एक बटे कॉट ए, टेन ए के लिए सीधे एक बटे कॉट ए लिख दिया, बराबर क्या आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस वन, वो भी अंडर रूट में। अब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देंगे तो कॉट ए बराबर क्या आ जाएगा एक बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, देखिए जरा कैसे लिखा हमने, ये पहले तो ये लाइन ऊपर से ही उतार ली, टेन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन होता है, हमें अब कॉट ए को सेक ए के पदों में लिखना है, तो टेन से कॉट कैसे आएगा टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट थीटा होता है, तो टेन थीटा की जगह एक बटे कॉट थीटा रख दिया, ये ऐसे ही रहने दिया। अब हमें कॉट का मान निकालना है ना कि एक बटे कॉट का, तो दोनों तरफ व्युत्क्रम कर दिया, तो ये तो कर सकते हैं ना समीकरण में दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करा जा सकता है, तो एक बटे कॉट ए का व्युत्क्रम कॉट ए हो गया, इसका व्युत्क्रम एक बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए हो गया, बस यही आंसर आ गया, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक। तो आप टेन ए के बाद अब कौन सा बचा कॉसेक ए, पाँचवा, तो कॉसेक को साइन के हिसाब से लिख दो, इधर वाले को इसको पकड़ो, तो यहाँ पर हमने साइन ए बराबर ये सिद्ध किया है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए, यही तो साइन ए बराबर सिद्ध किया था अभी हमने सेक के पदों में, तो अब क्या करेंगे साइन ए का व्युत्क्रम लिख देंगे, तो साइन ए की जगह क्या लिखेंगे एक बटे कॉसेक ए, बिल्कुल ऊपर वाले के प्रकार से साइन ए के स्थान पर एक बटे कॉसेक ए लिख दिया, और जो दूसरा पक्ष था वो एज इट इज लिखा रहा, ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये एज इट इज लिखा रहा। अब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देंगे तो कॉसेक ए का मान आ जाएगा, तो कॉसेक ए बराबर क्या आ जाएगा कॉसेक ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन,
समझ में आ गया? यहाँ पर हमने क्या किया, साइन, हमें प्रश्न में कहा क्या गया था, प्रश्न में ये कहा गया था कि ए के सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में लाना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले साइन को हम सेक के पदों में लाए। वो कैसे लाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होगा। तो हमने कॉस को उधर भेज दिया, तो साइन स्क्वायर ए वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। फिर हमें सबको सेक के पदों में लाना है, तो कॉस को हम सेक के पदों में लिख सकते हैं, तो कॉस ए को जगह वन अपॉन सेक लिख दिया, मतलब कॉस स्क्वायर ए की जगह वन अपॉन सेक स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे सेक स्क्वायर ए लासापा ले लिया, यहाँ पर एक है, एक का मतलब एक बटे एक है, एक और सेक स्क्वायर ए का लासापा सेक स्क्वायर ए हो गया। सेक स्क्वायर में एक का भाग दिया सेक स्क्वायर आया, ऊपर एक में गुणा कर दिया सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर में भाग दिया वन आया, वन का ऊपर गुणा कर दिया तो यही आ गया। समझ में आ रहा है? तो आप दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया, पहला भाग हल हो गया कि साइन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब हमें कॉस को सेक के पदों में लिखना है, सीधे सीधे रिलेशन होता है, कॉस ए बराबर एक बटे सेक है, यही पे उत्तर हो गया इसका। अब टेन को सेक के पदों में लिखना है, तो टेन और सेक में सीधे सीधे आइडेंटिटी है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो टेन ए हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, टेन भी सेक के पदों में हो गया। अब क्या बचा, कॉट को सेक के पदों में लिखना, तो टेन की सहायता से कॉट को लिख देंगे, हमने यही उतार ली ऊपर लाइन की, टेन स्क्वायर ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, टेन थीटा की जगह एक बटे कॉट थीटा लिख दिया, ये ऐसे ही लिखा रहने दिया हमें, मगर कॉट थीटा लाना है तो यहाँ से चारों तरफ तीन गुणा करके हल कर लेते या दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर लिया, तो इसका एक बटे कॉट ए तो कॉट ए हो गया, इसका व्युत्क्रम एक बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो गया। अब हमें कौशेक को सेक के पदों में लिखना है, तो कौशेक कैसे आएगा, जब साइन आएगा, तो यहाँ पर हमने साइन को सेक के पदों में लिख लिया है, तो इसका ही यूज़ किया, प्रथम भाग का यूज़ कर लिया, प्रथम भाग से साइन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए था। उसके पश्चात क्या किया, साइन ए की जगह एक बटे कॉस ए के लिख दिया, ये ऐसे ही रहने दिया, मगर हमें कॉस ए के का मान चाहिए, तो दोनों पक्षों का फिर से व्युत्क्रम कर दिया, तो एक बटे कॉस ए का व्युत्क्रम कॉस ए हो गया, यहाँ पे हर था वो अंश बन गया, अंश हर बन गया। समझ में आ गया सभी को, नोट कर लीजिए।